हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास इलेवंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आता है चैप्टर नंबर 1, क्लास इलेवंथ हिंदी कोर का चैप्टर नंबर 1, जो कि आता है फ्रेंड्स नमक का दरोगा चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट, क्लास इलेवंथ हो या क्लास ट्वेल्थ हो, दोनों क्लास का फ्रेंड्स, आर्ट्स का सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं सारे वीडियो को देखने के लिए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ नमक का दरोगा, कहानी का नायक कौन है। नमक का दरोगा में कहानी का नायक कौन था फ्रेंड्स, उसे हमें बताना है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, मुंशी वंशीधर, पंडित आलोपीदीन, बदलू सिंह, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड बहुत बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल के माध्यम से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जारी किया जा रहा है, जो कि आता है फ्रेंड्स क्लास इलेवंथ। अगर आप क्लास इलेवंथ में होंगे तो सारे सब्जेक्ट का, फिलहाल तो ये हिंदी कोर का है, लेकिन सारे सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुक आपको पब्लिश किया जा रहा है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली ये टर्म 1 का सारे के सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेंगे। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स इस बुक को परचेज करना, तो यहाँ पे देखिए एक फ़ोनपे का QR कोड दिया हुआ है। किसी भी, आप फ़ोनपे हो या गूगल पे हो या पेटीएम है, किसी भी यूपीआई ऐप से फ्रेंड्स मात्र आपको 49 रुपये का पेमेंट करना है, और उस स्क्रीनशॉट, उस पेमेंट का रिसीविंग को आपको फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे 9430702606 इस नंबर पे फ्रेंड्स आपको मैसेज करना है। मैसेज के साथ फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट के साथ आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और कौन सा सब्जेक्ट का आपको बुक चाहिए और कौन सा क्लास में आप हैं और कौन सा क्लास का आपको बुक चाहिए, तो उसे भी यहाँ पे हमें लिखकर मैसेज करें, उसके बाद मैं आपको बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ पंडित आलोपीदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दातागंज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, आलोपीदीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, आशीर्वाद, विनती, नगद राशि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी नगद राशि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से क्लास इलेवंथ या हो या क्लास ट्वेल्थ हो, आर्ट्स का सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को मेरे इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेरे इस चैनल पे आप जरूर बने रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 4। इसमें दिया हुआ है पंडित आलोपीदीन ने नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर के समक्ष अधिकतम कितनी रिश्वत का प्रस्ताव रखा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,000। पंडित आलोपीदीन ने नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर के समक्ष अधिकतम 40,000 रुपये रिश्वत प्रस्ताव में रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 5। इसमें दिया हुआ कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन किस रूप में हमारे समक्ष आते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, भ्रष्ट जमींदार, धन के पुजारी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ गुणग्राही व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणग्राही व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सही वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है नमक का दरोगा कहानी का अंत क्या शीर्षक है। कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है, नमक का दरोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है कर्तव्य निष्ठ दरोगा, ईमानदार दरोगा, सत्यमय जयते, इनमें ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक का दरोगा अन्य शीर्षक है संभव है फ्रेंड्स, कर्तव्य निष्ठ दरोगा भी संभव है, ईमानदार दरोगा भी संभव है, और सत्यमय जयते इन तीनों के तीनों नमक का दरोगा कहानी का शीर्षक संभव है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहानी और उसके लेखक का नाम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सारे चैप्टर का, सारे जितने भी कहानी है, सारे कहानी का आप नाम और उसका लेखक जरूर से जरूर याद कर लें, क्योंकि आपका एक दो नंबर कंफर्म है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। नमक का दरोगा कहानी का लेखक प्रेमचंद्र है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, मुंशी वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित थे। मुंशी वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित थे फ्रेंड्स। तो आपको पता ही होगा कि नमक का दरोगा आपको क्या इसका इस कहानी का शीर्षक है फ्रेंड्स, नमक का दरोगा। तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नमक का दरोगा होंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ खाद विभाग का दरोगा, नमक विभाग के दरोगा, वित्त विभाग के दरोगा, शिक्षा विभाग में प्राचार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन इस कहानी को नहीं भी पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तब पर भी इस क्वेश्चन को आप शीर्षक को देखकर, शीर्षक से ज्ञात कर इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर नहीं होता, नहीं आंसर दे पाते हैं, तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9। इसमें दिया हुआ है पंडित आलोपीदीन की नमक लदी गाड़ियां कहाँ जा रही थी। पंडित आलोपीदीन की नमक लदी गाड़ियां कहाँ जा रही थी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। पंडित आलोपीदीन की नमक लदी गाड़ियां कानपुर जा रही थी, और इस गाड़ी को कौन पकड़ लिया था फ्रेंड्स। तो मुंशी वंशीधर इस गाड़ी को पकड़ लिया था, यानी कि धर लिया था। अरे इसी गाड़ी को छुड़ाने के लिए, मतलब कि छुड़ाने के लिए पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के समक्ष रिश्वत प्रस्ताव रखा था, और कितना का रखा था, तो 40,000 का रखा था। इसे आप जरूर याद कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, मुंशी वंशीधर के किस गुण के कारण अक्सर लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इस कहानी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कार्य कुशलता, ईमानदारी, उत्तम आचरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो का क्वेश्चन का आप अगर फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर आप फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर इलेवन आता है। इसमें दिया हुआ नमक का दरोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है समय अनुसार कार्य करने का, सूझबूझ से कार्य करने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितनी भी सारे वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।